अस्सलाम वालेकुम। आई विल डिस्कस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देख लेते हैं सिंटैक्स और ये कैसे यूज करते हैं हम ये देख लेते हैं। इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें हम ए प्लस प्लस करते हैं या तो प्लस प्लस ए करते हैं। मीन्स कि मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है, जैसे मेरे पास कोई भी वेरिएबल है, जैसे मैं ए का वेरिएबल ले लेती हूँ, मैं उसके बाद भी प्लस प्लस लिख सकती हूँ, उससे पहले भी प्लस प्लस लिखती हूँ। या बस बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि मैं प्लस प्लस लगा रही हूँ। इंक्रीमेंट मैं आप लोगों की बाद में बताती हूँ। डिक्रीमेंट, ए है तो उससे बाद में भी मैं लगा सकती हूँ, जो वो क्या उसे कहते हैं माइनस, उससे पहले भी मैं माइनस लगा सकती हूँ। ठीक है, बस ये आपने याद रखनी है। हम अपना सिंटैक्स लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। तो यहाँ पे मैंने इंट अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया ए, सी आउट के जरिए मैं वैल्यू लेती हूँ। वैल्यू सी इन ए, यहाँ पे कंडीशंस भी आप लोग लगा सकते हैं या बेसिक तरीके से या सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। सो पहले मैं इसको सिंपल तरीके से कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, फिर कंडीशंस के साथ हम इसको करेंगे। सो सी आउट में मैं कहती हूँ कि बिफोर इंक्रीमेंट बिफोर इंक्रीमेंट हमारी जो ए की वैल्यू थी वो दे दे हमें। ये हमारी इंक्रीमेंट से पहले की वैल्यू है, इंक्रीमेंट के बाद हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। प्लस प्लस ए, ये हमारा जो इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट के साइंस होते हैं, मीन्स के पहले प्लस प्लस आ जाता है, ये बाद में प्लस प्लस आता है। तो ये क्या करेगा, हमारी जो वैल्यू होगी उसके अंदर एक ऐड कर देगा, मतलब कि इंक्रीमेंट इंक्रीज कर देगा एक। प्लस प्लस पहले लगाने का मतलब है ये है कि पहले वो ऐड करेगा, फिर बाद में हमारे पास जो ए की वैल्यू बनेगी वो प्रिंट करवा के देगा। या पहले ए लिखेंगे तो पहले ए की वैल्यू को देखेगा फिर उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। पहले हमने क्या किया, वेरिएबल लिया था यहाँ पे, फिर उसकी हम लोगों ने सी इन करके वैल्यू लेनी है। बिफोर इंक्रीमेंट मीन्स कि मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरी जो पहले वैल्यू थी वो क्या थी जो मैंने सी इन की थी, वो मेरे पास कोई भी मैटर करती, जैसे फोर एंटर कर दिया, वो पहले दिखाएगा फिर उसके बाद उसका उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करने के बाद हम लोग कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू है इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्या आई है वो हमें दें। आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद हम लोग अपनी वैल्यू को देख रहे हैं। सो इसको रन करवाने के बाद जैसे कि फोर एंटर किया, बिफोर इंक्रीमेंट फोर थी, आफ्टर इंक्रीमेंट फाइव हो गई, मतलब एक ऐड हो गया इसमें। सो डिक्रीमेंट का देखते हैं, सी आउट बिफोर डिक्रीमेंट, बिफोर डिक्रीमेंट हमारी वैल्यू क्या थी ए की, और ए की वैल्यू यहाँ पे एंटर लगा देते हैं, और जब इधर भी एंटर लगाना पड़ेगा। लास्ट वाले एंटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज वो लास्ट में उसके बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही होती। फिर इसमें हम लोग डिक्रीमेंट करवा देते हैं ए, और सी आउट में चाहती हूँ कि मेरा जो डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू है वो मेरे पास आ जाए। डिक्रीमेंट अब इसको रन करके देखते हैं, मैंने थ्री वैल्यू एंटर की तो उसने बिफोर इंक्रीमेंट थ्री थी, आफ्टर इंक्रीमेंट फोर हो गई। फिर उसने उधर से ही वैल्यू चलाई कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, फोर थी, बिफोर इंक्रीमेंट फोर थी और आफ्टर इंक्रीमेंट थ्री हो गई, मतलब कि आफ्टर डिक्रीमेंट थ्री हो गई, मीन्स कि एक कम हो गया।
पहले उसने क्या किया, हमने वैल्यू की एंटर की 4, 4 को उसने वैल्यू हमने एंटर की 3, 3 में उसने इंक्रीज करवा के उसको 4 एंटर कर दिया, 4 हो गया। और जब हम लोग यहाँ से ये वाला स्टार्ट करेंगे बिफोर डिक्रीमेंट, तो वो वैल्यू हमारे पास ये वाली देखेगा जो हमारी इंक्रीमेंट होके आई होगी, फिर उसमें से वो डिक्रीमेंट करवाएगा, एक कम कर देगा और वैल्यू हमारे पास प्रिंट करवा देगा। इंक्रीमेंट का मतलब है कि इंक्रीज करना एक, और डिक्रीमेंट का मतलब है एक कम कर देना वैल्यू को। ये हम लोग पहले भी लिख सकते हैं प्लस बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये वैसे ही आंसर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पर मैंने 3 एंटर किया तो वैसे ही आंसर्स आए थे जैसे पहले थे, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। बस ये होता है कि पहले ही वो इस वैल्यू को देखता है कि एक ही वैल्यू क्या थी, 4 थी, फिर उसमें इंक्रीमेंट करवाएगा। अगर बाद में लिखा होगा तो पहले वो इंक्रीमेंट करवाएगा, फिर बाद में वो वैल्यू जो होगी हमारे पास एक ही, उसमें वैल्यू का एंटर कर देगा। हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस तरह से भी यूज़ होते हैं, हम इनको व्हाइल लूप लगा के भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने व्हाइल लूप लगाया यहाँ पे, व्हाइल लूप में मैं कहती हूँ कि मेरी जो ए है वो ग्रेटर है 10 से, ए की वैल्यू ग्रेटर है, ये लेस कर दें, लेस है 10 से। मैं कहती हूँ सी आउट में वो मेरे पास प्रिंट करवा दे, उतनी दफ़ा मुझे गैस प्रिंट करवा दे। व्हाइल लूप्स इसलिए यूज़ होते हैं कि हम लोगों ने जितनी दफ़ा कंडीशन चलानी होती है। ए प्लस प्लस अब मैंने कर दिया, हम यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे ली नहीं है, यूज़र से वैल्यू लेनी है ए की, हमने एंटर वैल्यू सी इन ए, अब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देती हूँ, जैसे 3 एंटर किया है तो कितनी दफ़ा ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7, उसने 7 दफ़ा मुझे ये करवा के दिया, बिकॉज 10 तक मैंने लिमिट लगाई थी कि 10 तक करके दे, तो उसने 7 तक इस दफ़ा इसलिए करके दिया है कि मैंने 3 एंटर किया था, 3 लिखूँ 4 लिखूँ, बाकी जो 10 में से हमारे पास बचेंगे वो उतने ही हमको प्रिंट करके देगा। तो इंक्रीमेंट क्या करता है, एक ऐड करता जाएगा वैल्यू, एक उसमें ऐड करता जाएगा। व्हाइल लूप हमारे पास इसलिए यूज होते हैं कि हम लोग जो लूप बार बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं, कितनी दफा रिपीट करवाना चाह रहे हैं, मैं 10 दफा कह रही हूँ कि मेरी एक वैल्यू रिपीट हो, और एक वैल्यू हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, एक वैल्यू मैं 3 भी एंटर कर सकती हूँ, 4 जो भी आप लोग 10 से लेस लेस जो भी एंटर करेंगे ना, और बाकी जो बचेंगे मतलब कि जितनी वैल्यू तो आप एंटर करेंगे बाकी जो वैल्यूज बचेंगी उतनी दफा आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया 3, तो उसने आगे कितनी, हमने स्पेस नहीं लगाई, हम ये वाली वैल्यूज हम लोगों को प्रिंट करके दे दी है, मतलब 3 4 5 6 7 8। अब हम अगले आने वाली वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स अभी हमने पढ़ने हैं, तो बस ये आप लोगों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बता रही थी इसलिए यहाँ पे लूप के जरिए समझाया। अब एंड लगा के हम यहाँ पे इसको चाहते हैं कि नंबर्स हमारे नीचे चले जाएं, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था नंबर्स हमारे क्या शो हो रहे थे, एक लाइन के अंदर शो हो रहे थे, तो अब मैं चाह रही हूँ कि लाइन मतलब कि नीचे चले जाएँ, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देती हूँ 1 एंटर करूँगी तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स नीचे चले गए हैं। 10 इंक्लूड नहीं करेगा बिकॉज हमने इक्वल का साइन इन डाला, हमने यही नहीं कहा कि हमारा जो ए है वो इक्वल, हमारा जो ए है वो इक्वल होना चाहिए 10 के, तो हमने इक्वल का साइन नहीं डाला, इस वजह से हमारे पास वो 10 का प्रिंट करके नहीं देगा। और जो हम 1 एंटर कर रहे हैं वो 1 को बीच में इंक्लूड करेगा, कोई भी वैल्यू जो एंटर की जाती है वो बीच में इंक्लूड करता है, आप चाहे 3 से स्टार्ट करवा लें 4 से करवा लें, और ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा था। अब हम लोग फोर लूप लगा के इसको देखते हैं। सो फोर लूप में मैं कहती हूँ कि इंट, हमारे जो डाटा टाइप्स है इंट है, वो हम बाहर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं और इनको अंदर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ए जो है वो इक्वल है मेरे पास 1 के, और ए लेस है 10, मैंने ये कंडीशन लगाई है। और यहाँ पे मैं ए प्लस प्लस कर रही हूँ, इसकी कंडीशन हमारी यहाँ पे लगती है, और वेरिएबल डिक्लेयर जो हम वैल्यू देते होते थे वो यहाँ पे आ जाती है, और डिक्रीमेंट ये हो गई व्हाइल लूप की तरह ही है, बस वो सारा कुछ बीच में आ जाता है। सी आउट और यस प्रिंट करवा दे, नो मतलब कि एक वैल्यू प्रिंट करवा दे और साथ में एंड।
तो देखते हैं इसको। तो ये इसने प्रिंट करवा दिया वैल्यूज हमें, और ये हमारे पास फॉर लूप को यूज़ करके मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता दिए किस तरह से यूज़ होते हैं।